हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का युवा जी क्विज में। तो फिर बिहार फायरमैन का जो 27 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ है फर्स्ट शिफ्ट का, उसका क्वेश्चन पेपर है। आप सभी आंसर को चेक कर लीजिएगा, कितने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए हैं, जो भी क्वेश्चन मिला हुआ है सारा क्वेश्चन का आंसर बताने की कोशिश की है आज की इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड। आप सभी वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे भी इसे पूछा गया था, जो कि कई बार आपसे भी क्वेश्चन बताए थे कि हमारे सौर मंडल में किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे मंगल ग्रह को, जो है कि लाल ग्रह कहा जाता है। ध्यान रखिएगा आप सभी, बुध जो है कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है, शुक्र को पृथ्वी का बहन कहा जाता है, बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ध्यान रखिएगा आप सभी, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये पूछे गए थे आप सभी से कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है। कई बार ये क्वेश्चन आप सभी को बताए थे कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाना, राष्ट्रपति को उसके पद से हटाना, ये महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है। ध्यान रखिएगा आप सभी, किसके द्वारा, महाभियोग लगाकर, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये पूछे गए थे, एल नीनो शब्द है, तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे, ये एक अंग्रेजी शब्द है। अगला क्वेश्चन ये पूछे गए थे फ्रेंड आपसे भी से, क्वेश्चन नंबर 4, किसानों द्वारा एक वर्ष में 3 विभिन्न फसलें उगाने के पीछे मुख्य कारण क्या है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, सुविकसित सिंचाई प्रणाली इसका मुख्य कारण होगा। देख लीजिएगा आप सभी, जहां तक है कि ए इसका राइट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, सुविकसित सिंचाई प्रणाली के कारण जो है कि किसान अलग अलग फसल उगा सकता है एक साल में। ध्यान रखिएगा आप सभी, देखिए जो क्वेश्चन मिला हुआ है वो प्रॉपर क्वेश्चन कराने का कोशिश कर रहे हैं। देखिए इधर जो है क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9 जो है ये क्वेश्चन कटा हुआ है। अगर आप सभी को पता होगा तो आप सभी थोड़ा बता दीजिएगा कि क्या क्वेश्चन हो सकता है ये। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछे गए थे आप सभी से कि निम्नलिखित में से भारी मशीनों के उपयोग के लिए स्नेहक कौन सा है। तो राइट आंसर ऑप्शन में डिजेंगे सिलिकॉन तेलेफिन, डी राइट आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन ये पूछे गए थे, वस्तु शब्द का बहुवचन क्या होगा। थोड़ा सा धुंधला क्वेश्चन है, आप सभी सिर्फ आंसर को देखिए, आंसर क्या है कि वस्तु का बहुवचन क्या होंगे, वस्तुएं होंगे, डी राइट आंसर होगा। जो भी ऑप्शन नंबर डी को टिक किए होंगे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप सभी, वस्तुएं होगा इसका। अगला क्वेश्चन ये पूछे गए थे आप सभी इसे कि मधुबनी चित्रकला किस राज्य की लोकप्रिय चित्रकला है। तो राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे बिहार की ये लोकप्रिय चित्रकला है, सी राइट आंसर हो जाएंगे। कई बार ये आप सभी को बताई भी थी क्वेश्चन हम। अगला क्वेश्चन देखिए, हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला कौन सी है। कई बार ये क्वेश्चन आप सभी को बता चुके हैं, हिमांद्री है, ए राइट आंसर होंगे। और निचले की बात करें तो ये शिवालिक हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये पूछे गए थे आप सभी से कि द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज पुस्तक जो लिखी गई थी ये किसके द्वारा लिखी गई थी। कई बार ये क्वेश्चन आपको बताए भी हैं और ये जो है कि आपको सेट करवाया जाता चैप्टर वाइज, उसी में आपको बताए थे। द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज पुस्तक की रचना जो की थी चार्ल्स डार्विन के द्वारा किया गया था, ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व के बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा स्टेडियम जो है इसका नया नाम क्या है। ये भी क्वेश्चन आपसे को बताए थे कि इसका नया नाम जो है नरेंद्र मोदी स्टेडियम किया गया है। ध्यान रखिएगा आप सभी, क्या किया गया है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम किया गया है, ये आपसे को बताए थे हम। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, उत्तरी तथा पश्चिमी भाग में चलने वाली गर्म हवा को क्या कहते हैं, तो इसे लू कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आपको करवाए थे हम, लू कहा जाता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, ये पूछे गए थे आप सभी से, बहुत धुंधला क्वेश्चन है फिर भी पढ़ देते हैं, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था फ्रेंड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाते हैं, मार्टिन लूथर के द्वारा शुरू किया गया था, याद रखिएगा। कौन, मार्टिन लूथर, ए राइट आंसर रहते हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछे गए थे कि किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया था। राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे, धर्म सुधार आंदोलन ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया था। जो भी ऑप्शन में ए को टिक किए होंगे बिल्कुल राइट आंसर होगा उन सभी का। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछे गए थे आप सभी से कि देश का जो है प्रथम नागरिक कौन होता है। तो कई बार ये क्वेश्चन आप सभी को बता चुके हैं कि देश का प्रथम नागरिक जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। ध्यान रखिएगा आप सभी, कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन ये पूछे गए थे आप सभी से कि प्रथम विश्व युद्ध की तात्कालीन कारण क्या था। जब आप सभी को बताए थे कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत जो है वो 1914 में हुआ था, उसी समय आप सभी को बताए थे कि इसका मुख्य कारण क्या था, ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या, इसी के कारण जो है कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। ध्यान रखिएगा आप सभी, और प्रथम विश्व युद्ध के बारे में मद्य निषेध सिपाही के एग्जाम में पूछा जा चुका है कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो याद रखिएगा इसे 1914 में इसकी शुरुआत हुई थी।
अगला क्वेश्चन ये पूछे गए थे कि जल के अणुओं की गति जब चयनात्मक परम्परागमीय झिल्ली द्वारा हो तो उसे कहते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन में भी जाते हैं, प्रासरण कहा जाता है, बी राइट आंसर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये पूछे गए थे आप सभी से कि खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की जो कि थाली हो या कुछ भी हो उस पर काली पड़ जाती है, क्योंकि उन पर जो परत चढ़ती है वो कौन सी परत बन जाती है? तो सिल्वर सल्फाइड की परत बन जाती है, डी राइट आंसर आते फ्रेंड। अगला क्वेश्चन ये पूछे गए थे कि हिरोशिमा कविता के रचयिता हैं, राइट आंसर ऑप्शन में दिए थे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन है हिरोशिमा के रचयिता। अगला क्वेश्चन ये पूछे गए थे कि लोकतंत्र में अंतिम सत्ता निहित होता है, तो देखिए लोकतंत्र में अंतिम निर्णय जो लेता है वो राष्ट्रपति के द्वारा लेता है, इसका आंसर हमें कंफर्म नहीं, आप सभी एक बार अगर पता हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। जहां तक है कि लोकतंत्र में अंतिम निर्णय जो लेता है वो किसके द्वारा लिया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा लिया जाता है। अगला क्वेश्चन ये पूछे गए थे फिर आप सभी से कि मयूर भंज खान किसके लिए प्रसिद्ध है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से जाते लो अयस्क के लिए प्रसिद्ध है जो कि उड़ीसा राज्य में है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये पूछे गए थे कि किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, राइट आंसर ऑप्शन में से जाते हैं यादव पेयंग को कहा जाता है फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ग्रहों की गति का संचालन होता है, तो कई बार क्वेश्चन बता चुके कि ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? केपलर ने किया था, ध्यान रखिएगा आप सभी, इसका बी राइट आंसर होता है। अगला क्वेश्चन ये पूछे गए थे कि दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से किससे जुड़ी होती है, तो राइट आंसर ऑप्शन में से जाते हैं कंडरा से जुड़ी होती है, ये भी क्वेश्चन आपसे वो करवाए थे। अगला क्वेश्चन ये पूछे गए थे कि प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या को जो कहते हैं ये लिंगा अनुपात कहते हैं, क्वेश्चन तो कराए थे लिंगा अनुपात के बारे में पर ये क्वेश्चन नहीं था, पर इजी क्वेश्चन है, कहीं कोई दिक्कत नहीं था क्वेश्चन में, आपसे उम्मीद है कि आपसे ये क्वेश्चन को सही किए होंगे, इसे लिंगा अनुपात कहते हैं, क्योंकि जब 1000 पुरुष से तुलना की जाती है महिला को तो उसे हम सभी लिंगा अनुपात ही कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाते हैं 6 से 14 वर्ष आयु समूह के बच्चों को शिक्षा देना इसका मुख्य अभियान था। अगला क्वेश्चन ये पूछे गए थे फ्रेंड आप सभी से कि रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, तो राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाते हैं दूध का खट्टा होना, ये भी क्वेश्चन आप सभी को बताए थे कि रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है दूध का खट्टा होना। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल नहीं है, तो देखिए रबी फसल के बारे में अभी कल के ही वीडियो में आपसे को बताए थे कि रबी फसल के अंतर्गत कौन कौन सा आता है, गेहूं चना सरसों ये सभी क्या है रबी फसल है, मटर भी क्या है रबी फसल है, जबकि ज्वार रबी फसल नहीं है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन पूछे गए थे कि एमनेस्टी इंटरनेशनल है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 80 हो जाते हैं मानवाधिकार संगठन है फ्रेंड्स, सी राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछे गए थे बारदोली सत्याग्रह के बारे में, आपसी को बताए थे बारदोली सत्याग्रह के बारे में जो 1928 में हुआ था और इसका मुख्य नेता कौन था, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसे सरदार की उपाधि वहां की महिलाओं के द्वारा दिया गया था, तो यह क्वेश्चन थे कि बारदोली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका किसका था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का था। अगला क्वेश्चन देखिए, जीडीपी का तात्पर्य है, तो ये अभी जो कि अर्थशास्त्र का जो क्वेश्चन करवाए थे आपको अर्थव्यवस्था का, उसी में ये क्वेश्चन था, सकल घरेलू उत्पादन कहते हैं, ध्यान रखिएगा जीडीपी का तात्पर्य, जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है, सकल घरेलू उत्पादन, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, कल के ही वीडियो में ये क्वेश्चन दिया हुआ था, अल्प बेरोजगारी तब होती है जब लोग अपनी क्षमता से कम काम कर पाते हैं, इसी के कारण अल्प बेरोजगारी होती है। अगला क्वेश्चन ये थे कि सौर सेल बनने के लिए कौन सा पदार्थ का उपयोग किया जाता है, राइट आंसर ऑप्शन में ये हो जाते हैं सिलिकॉन का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछे गए थे कि मूली एक रूपांतरण है, मूली के बारे में बताए थे जब साइंस का क्वेश्चन कर रहे थे, तो मूली एक क्या है, ये एक जड़ है, ध्यान रखिएगा मूली गाजर क्या है, ये एक जड़ है, तो ये मूल का ही रूपांतरण होगा, ए राइट आंसर है। आलू प्याज क्या है, तना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में है, आपको जब पॉलिटी का क्वेश्चन करवाए थे तो उसमें क्वेश्चन बताए थे कि भारत में जो व्यवस्था है वो बहुदलीय व्यवस्था है, सी राइट आंसर होता है इसका। अगला क्वेश्चन है, एक वृक्ष की हत्या कविता के रचनाकार है, कुबेर नारायण इसके रचनाकार है फ्रेंड, डी राइट आंसर आता। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, किस समूह में सभी शब्द रात का पर्यायवाची है, तो एक आपको पर्यायवाची का वीडियो दिया गया था उसमें सारा पर्यायवाची शब्द दिए थे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाते रात्रि रजनी और निशा, यह भी क्वेश्चन आपको करवाया गया था।
अगला क्वेश्चन ये पूछे गए थे 1907 में जमशेदजी टाटा द्वारा टिस्को की स्थापना जो की गई थी ये कहाँ की गई थी। तो फ्रेंड आप सबको बताऊंगे कि एक कंपनी की स्थापना जो की गई थी 1907 में वो जमशेदपुर में की गई थी जो कि झारखंड में पड़ते हैं, पर जब 1907 की बात कर रहे हैं तो उस समय झारखंड कहाँ पे था, बिहार में ही था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाता साक्षी बिहार होंगे, ए राइट आंसर होता है इसका, ध्यान रखिएगा आप सभी, क्योंकि जिस समय इसकी स्थापना हुई थी तो ये उस समय जो है कि बिहार में ही था जमशेदपुर। अगला क्वेश्चन ये पूछे गए थे आप सभी से कि निम्न में से कौन भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाते हैं MN बहुगुणा जो है फ्रेंड ये भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं, जबकि देवीलाल ये भारत के उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं, मोरारजी देसाई ये भी रह चुके हैं, LK अडवाणी ये भी रह चुके हैं, जबकि बहुगुणा नहीं रहे भारत के उप प्रधानमंत्री, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए ये पूछे गए थे आप सभी इससे कि भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। देखिए कल आज सुबह में जो आपको वीडियो दिया गया था ज्योग्राफी का, उसी में ये क्वेश्चन आपको कवर करवा दिया गया था कि बुलर झील भारत की सबसे मीठे पानी की झील है जो कि जम्मू कश्मीर में है। अगर जो सुबह वीडियो देखे होंगे इसको बिल्कुल राइट आंसर कर लिए होंगे आप सभी, हमें उम्मीद है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, प्रति ध्वनि सुनाई देता है, जब आपको साइंस का चैप्टर वाइज क्वेश्चन कवर करवा रहे थे तो उसी समय ये क्वेश्चन आपको बताए थे कि ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण प्रति ध्वनि सुनाई देती है। चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन आपको कवर करवाए थे उसी से बहुत सारा क्वेश्चन आया हुआ है आपके पेपर में। अगला क्वेश्चन ये पूछे गए थे युधिष्ठिर का संधि विच्छेद पूछे गए थे, तो बी राइट आंसर हो जाता युधि जोड़ स्थिर होता। अगला क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि बहुत धुंधला क्वेश्चन है, शायद काली के बारे में कुछ पूछे गए, काली लिखा हुआ है, इसका रेखांकित शब्द बता रहा है। तो इसका जहां तक है कि काली अगर जब पूछ रहा है, काली नदी के बारे में अगर पूछता तो यमुना होता, क्योंकि काली नदी के नाम से यमुना को ही जाना जाता है। तो जहां तक है सी राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी एक बार कंफर्म कर लीजिए क्या क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये पूछे गए थे कि संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, जब आपको पॉलिटी का क्वेश्चन कवर करवा रहे थे चैप्टर वाइज में उसमें आपको बताए थे कि इसकी अधिवेशन की अध्यक्षता जो करता है लोकसभा के अध्यक्ष करता है, बी राइट आंसर आता है इसका। अगला क्वेश्चन ये पूछे गए थे कि निम्नलिखित में से विकल्प में से विलोम शब्द नहीं है, तो देखिए विलोम शब्द नहीं है, अनमुख का विलोम सम्मुख होता है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अनमुख का विलोम जो होता है विमुख होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो बी क्या है, बिल्कुल गलत है, बाकी बात सब सही है। अगला क्वेश्चन ये पूछे गए थे आप सभी से कि सेट्रिक अम्ल मुख्यतः अम्ल के रूप में जाना जाता है, क्वेश्चन में कहने का मतलब है कि सेट्रिक अम्ल जो है ये किस में पाया जाता है। आपको जब साइंस का क्वेश्चन कवर करवा रहे थे उसी समय ये क्वेश्चन आपको बताए थे सेट्रिक अम्ल के बारे में, टैट्रिक अम्ल के बारे में, ऑक्जेलिक अम्ल के बारे में बताए थे। तो जो कि सेट्रिक अम्ल पाया जाता है वो नींबू में पाया जाता है, अगर जो क्लास कवर किए होंगे चैप्टर वाइज वाला वो पक्का इस क्वेश्चन का टिक कर चुके होंगे सही सही। तो चलिए यही कुछ क्वेश्चन थे मेरे पास जिसका सॉल्यूशन करा चुके हैं, और जो बचा हुआ है वो दूसरे पार्ट में आपको कवर करवाने का कोशिश करेंगे। देख लीजिए जो आपको चैप्टर वाइज क्लास करवाया गया था जो उसे कवर किए होंगे करीब करीब क्वेश्चन को सही कर लिए होंगे, सारा क्वेश्चन क्लास से ही आया हुआ है, जो भी क्वेश्चन पूछा गया है जो चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन कवर करवाए थे, जब क्वेश्चन कवर करवा रहे थे उसी समय आप सभी को बोले थे कि इसे प्रॉपर आप सभी कवर कर लीजिएगा टाइम निकाल करके, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आपको दे रहे सिलेक्टेड क्वेश्चन दे रहे और वहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, और सच में ही क्वेश्चन पूछा गया, वहां से बहुत सारा क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल गए और प्रूव्ड भी है। अगर विश्वास नहीं तो आप सभी जाइए वीडियो को देख लीजिएगा और मिला लीजिएगा सारा क्वेश्चन को, हुबहू क्वेश्चन पूछा गया है। तो कम से कम जो देते हैं उस पर विश्वास किया कीजिए और मेहनत किया कीजिए आप सभी। तो हमें उम्मीद है कि आप सभी अच्छा प्रदर्शन कर पाए होंगे पेपर में, अगर जो हम तैयारी करवाए हैं अगर उसे आप प्रॉपर कवर किए होंगे तो। तो चलिए मिलते हैं, जय हिंद वंदे मातरम, ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा आप सभी, और जल्द ही जो कि इसका दूसरा पार्ट लाने का कोशिश करेंगे जो भी क्वेश्चन बचा हुआ है। तो आप सभी इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड अपने दोस्तों में।